How to be a good bottom. Exactly यही इस वीडियो का मुद्दा है। बहुत सारे लड़के हैं जो पहली बार बॉटम करना चाहते हैं। बॉटम का मतलब एक लड़का जो पेनिट्रेशन करता है, एक लड़का जिसमें पेनिट्रेशन होता है। टॉप बॉटम जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। अगर आप सोच रहे हैं कि आपको पहली बार बॉटम करना है, पर आप उससे पहले क्या क्या कर सकते हो, आपकी प्रिपरेशन क्या होनी चाहिए, कितना दर्द होता है, डूज एंड डोंट्स, इतनी सारी चीजें जो आप किससे पूछना चाहते हो। अब लोग इस बारे में बात करते नहीं है खुल के। Someone has to explain this to you. I am that someone. Namaste, my name is Paris Tomar. I'm an LGBTQ activist. I'm a wellness guru. Sex is always on my mind. बहुत खुटा पाती हूँ मैं, पर मुझे openly इस बारे में बात करना अच्छा लगता है, because knowledge is power. And I really hope ये जो series मैं कर रहा हूँ, ये आपको बहुत ज़्यादा information देगा. Welcome to today's episode of Kama Sutra with Paris Tomar. How to be a good bottom. सबसे पहला, I'm assuming आप ये वीडियो इसलिए देख रहे हो because आपने पहले कभी बॉटम किया नहीं है, आप इस बारे में सोच रहे हो। पहली बात, the सवाल is, आपको कैसे पता चलेगा are you a top or a bottom? अब देखिए, तो बहुत ही सिंपल बात है, you know because you know. For someone like me, for example, I'm a pure top. मुझे इतनी बार लोगों ने कहा है कि भाई तुम एक्सपेरिमेंट करो, तुम्हें नहीं पता कि क्या प्लेजर मिलता है when you are a bottom. काफी लोग बोलते हैं कि यार तुम अपने आप को फिंगर करो, those are all personal choices. अगर मुझे करना होता मुझे अच्छा लगता, but being a bottom is not my thing at all. काफी लड़के होते हैं जो versatile होते हैं, but right now let's focus on just the idea of being a bottom. How do you know you're a top or bottom? जब आप अपने आप के साथ खेल रहे हो, हस्त मैथुन सेल्फ ओपू, what do you think about? Are you dominating someone? आप penetrate कर रहे हो या penetrate हो रहे हो? तो in your heart you obviously already know, आप ये try करना चाहते हो। अच्छा, I still come from a generation जहाँ हम लोगों को labels शायद अच्छा लगते थे, पता नहीं क्यों। तो मेरे labels हैं top, bisexual, cisgender man. ऐसा हो सकता है आपके labels similar हो, ऐसा हो सकता है आपके labels हो ही ना। And you don't have to get stuck with labels. Today you could be top, tomorrow you could be bottom, day after you could be worse, on the same day you could be all three. दिन में तीन बार किया तो भाई मजेदार life है आपकी। How to know you're a bottom? You may not always be, but you want to bottom right now. So let's focus on that. Don't get stuck on labels. Okay, preparation शुरू करते हैं। एज अ टॉप मैं आपको अपना पर्सपेक्टिव बताता हूँ, बट जब मेरे पास कोई लड़के आते हैं, व्हाट आई अप्रिशिएट और कुछ ऐसी चीजें विच आई एम जस्ट लाइक आर यू किडिंग मी। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट बेसिक थिंग, हाइजीन। नाउ लेट्स बी फेयर, जब आप पोपो करने वाले हो, किसी और का बनाना आपके डोनट पे जाने वाला है, ओह नो आई वांट डोनट, या किसी का बैंगन आपके पीच पे जाने वाला है, इतनी पॉपुलर इमोजीज हैं दोनों। द फर्स्ट थिंग यू नीड टू ऑब्वियसली डू इज क्लीन योरसेल्फ, ओके? नाउ जाहिर सी बात है, अगर आप पहली बार ये करने वाले हैं एंड जनरली आल्सो व्हेन यू वांट टू बॉटम, आप बिल्कुल उसके एकदम पहले खाना मत खाइएगा। जैसे बोलते हैं ना, स्विमिंग करने से पहले एक घंटा रुक जाओ, सिमिलर रूल्स अप्लाई, क्योंकि आपने बहुत ज्यादा खाना खाया है, आप स्टफ्ड हो, ऐसे मस्त पोपो के बीच में आप डकारे मारोगे, नॉट सेक्सी, आपको बीच में फाट आते रहेंगे, आपका पेट बड़ा फुल लगेगा, दैट्स नॉट गुड, ना आपके लिए अच्छा होगा ना आपके पार्टनर के लिए अच्छा होगा। तो स्टेप वन, डोंट ईट टू क्लोज टू योर पोपो वाला प्लान। स्टेप टू, विच आई रियली लाइक, काफी लड़के जो मेरे घर आते हैं या मेरे होटल पे जब भी आते हैं, दे विल ऑलवेज गो टू द लू फर्स्ट। अगर आप घर से ही आ रहे हो, अपना पेट खाली करके आइएगा, यू कैन ऑल्सो डूश। डूशिंग का मतलब क्या होता है? What you actually do is bum showers नहीं होते, bum showers को आपने सीधा अंदर घुसाया, I mean पूरा shower मत अंदर घुसाना, but basically आप अपने rectal area को अच्छे से साफ करोगे। Now to be honest with you, rectum normally साफ ही होता है, but हाँ अगर आप इसे potty करने चले जाओगे उसके पहले, it's good, क्योंकि कभी कभी unfortunately मेरे साथ ऐसा बहुत हुआ है, मैं किसी को penetrate करने वाला हूँ, मैंने अपना छोटा भाई उनके अंदर डाल दिया, और जब छोटा भाई बाहर आता है, chocolate sauce में कवर है, not the most appetizing. If that happens, what to do? पहली बात, मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा अबाउट हाउ टू बी अ टॉप एंड हाउ टू डील विद दिस इशू, जिससे आप किसी और के फीलिंग्स को ठेस ना पहुंचाए, वो अलग वीडियो में, पर इस बारे में आपके पर्सपेक्टिव से बात करते हैं एज अ बॉटम। तो पहली बात, तो मिलने से पहले आप पॉटी वॉटी करके आओगे, दिस साउंड सो नॉट हॉट सडनली, बट अगर गलती से करते हुए थोड़ी बहुत लाइक पॉटी, आई हैव नॉट सेड पॉटी सो मेनी टाइम्स इन अ वीडियो एवर, बाहर निकल भी जाए, व्हाट शुड यू डू? डोंट गेट एंबैरस्ड, ना आपकी गलती है, योर बॉडी हैज अ माइंड ऑफ इट्स ओन, आप उस पे अगर कंट्रोल कर सकते हैं तो करते हैं, राइट? तो बहुत लड़के कभी कभी होता है, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है, ओके फाइन, यू नो शिट हैपेंस, माय बेस्ट सजेशन, लाफ इट ऑफ, जोक अबाउट इट, यू माइट फील स्लाइटली एंबैरस्ड बट इट्स ओके, कभी कभी मूड किल हो जाता है, इट्स ओके, सी हाउ योर पार्टनर इज रिएक्टिंग, सी हाउ यू आर रिएक्टिंग, ये ऑल्सो ऐसा टाइम है अपने पार्टनर को टेस्ट करने का। अगर आपका पार्टनर सडनली ट्रीट्स यू बैडली, ट्रीट्स यू विद डिसगस्ट, इफ दे स्टार्ट मेकिंग यू फील बैड अबाउट योरसेल्फ, दैट्स अ रेड फ्लैग। इफ समवन डजंट रिस्पेक्ट यू, यू शुड बी लाइक, भैया जी बाहर निकलिए, ब्रो यू कैन गो, भैया यू आर नॉट माई सैया, लास्ट वाला अच्छा था, वेट बाहर आ दे भैया, नेवर माइंड, सो इट्स फाइन, गो क्लीन, see what you want to do, but don't feel that. Okay, preparation wise, आप पहले अपने पेट साफ कर लिया, आपने डूशिंग कर ली, now the next thing, जो बड़ा सवाल है, does it hurt? Ting ting ting. देखो पहली बार it will hurt. That's why it's very important, आप पहली बार जब आप इंटरकोर्स करें and you're going to be bottoming for the very first time,
Now look, I'm a little old school in this matter, right? So I feel aapko jo pehli baar hone wala hai, if you're going to lose your virginity to someone, you're going to bottom to someone, make sure it is someone who also feels something for you. Uska ek reason hai. They will be gentle with you, they will care about your pleasure. Unko sirf ye nahi hoga ki bhai andar ghusa diya. They will actually be concerned ki aapko maza aa raha hai, dard ho raha hai. Start slow. Okay, let your body get used to it. This is new thing jo aapke andar ghus raha hai. So starting slow is very important. Baad mein ho jaye to bahut maza aayega. But pehle start slow. Now when somebody first gets inside you, kai baar logo ka sawal hota hai, yaar aisa to nahi ki main karte ho tumko potty aa jayegi. Ya what if I fart? Ho sakta hai. But I want to tell you this jo aapko acha lagega. Ye sawal jab maine kafi mere लड़कों से पूछा है जो कि बॉटम बॉयज हैं, वो मुझे सब बताते हैं कि आप जब पहली बार या तो कोई आपको फिंगर कर रहा है या आप खुद को इफ यू आर यूजिंग अ टॉय या समवन इज पेनेट्रेटिंग, आई थिंक वो जो फीलिंग आती है पहले पहले कि आपके उससे कुछ पॉटी निकलने वाली है, आई हैव टू स्टॉप सेइंग पॉटी, वो सिर्फ एक फीलिंग होती है, एक्चुअली ऐसा होता नहीं है मोस्ट ऑफ द टाइम. सेकंडली द बिगेस्ट थिंग, यू हैव टू रिलैक्स. आप जितना ज्यादा रिलैक्स करेंगे आपको मजा उतना ज्यादा आएगा. तो अगर आप पहली बार करने वाले हैं, आस्क योर पार्टनर टू फिंगर यू, क्योंकि फिंगरिंग से स्टिमुलेशन होगा, ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा, आपकी पेल्विक मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे, यू विल एंजॉय दिस सो मच मोर, यू विल गेट रेडी. स्टार्ट विद फोरप्ले, स्टार्ट विद किसिंग. ऐसे नहीं कि मिले और सीधा किसी ने आपके अंदर घुसा दिया, मतलब वो वेटरन स्टेटस बाद में अचीवमेंट अनलॉक करना, पहले दैट स्मॉल बेबी स्टेप्स. द वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग, यूज अ लूब. अब देखो भाई, व्हेन अ मैन एंड अ वुमन आर हैविंग मेकिंग लव, जो फीमेल बॉडी पार्ट्स होते हैं वो सेल्फ लुब्रिकेटिंग होते हैं, राइट? द एनस इज नॉट सेल्फ लुब्रिकेटिंग, इसलिए आपको चाहिए लॉल, वेल नुस्खे बाय पारस का लॉल. दिस इज योर बेस्ट, नॉट दिस, दिस इज योर बेस्ट फ्रेंड. लूब के साथ जितना ज्यादा लूब होगा आपको उतना ज्यादा मजा आएगा. इट विल नॉट हर्ट यू, पेनफुल नहीं होगा, सेक्स विल बी मोर फन, कॉन्डम टेयरिंग के चांसेस कम होते हैं, एंड लुब्रिकेंट इज फन बिकॉज इसमें फ्लेवर्स होते हैं. अब जैसे मेरा नुस्खे पर इसका लॉल है, ब्लैक करंट में आता है, स्ट्रॉबेरी में आता है, एडिबल है, वेजिटेरियन है, क्योंकि भाई चुम्मा चाटी में आपने जब इसको लगाया है कहीं आप करोगे थोड़ा बहुत तब खाओगे, तो इट हैज टू बी एडिबल. अब मैं ये नहीं बोला कि बोल लेके चम्मच लेके खा लो, टेस्टी तो है. व्हेन समबडी सेज ओ पारस यू टेस्ट सो गुड, आई एम लाइक यस, नुस्खे पर पारस का लॉल अवेलेबल ऑन studmuffin.com फॉर $2.99 ओनली. मार्केटिंग मेरी हमेशा चलती है. अच्छा, जब मैंने बनाया भी था, मैंने इसलिए बनाया था बिकॉज बहुत सारे लोगों को, पहली बार तो लुब्रिकेंट्स में ऊपर ढक्कन होते हैं, वो बड़े मेरे को इरिटेटिंग लगता है, ढक्कन हमेशा गुम हो जाता है. इसमें पंप है, ओके? तो आपने पूछ किया, क्या यूज कर दिया, लुक एट द ग्राफिक, लॉल, लूब आउट लाउड. सो यूज अ लॉट ऑफ लुब्रिकेंट. पहले आस्क योर पार्टनर टू लूब यू अप, आस्क देम टू फिंगर यू. लुब्रिकेंट के बिना पेनफुल होगा, ड्राई होगा, इट्स जस्ट नॉट प्लेजरेबल फॉर एनीवन, स्पेशली नॉट फॉर यू, ओके? सो आई वांट यू टू यूज दिस. एक और चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिमेंबर जब आप बॉटम कर रहे हो, यू हैव द पावर, आपकी बॉडी, आपके रूल्स और आपका थ्रेशोल्ड. पर ये बात अक्सर बहुत सारे लड़के मेरे को लगता है कि रियलाइज नहीं करते कि भाई जो पावर है वो आपके पास है. अंडरस्टैंड दिस, समवन एल्स इज पेनिट्रेटिंग यू. अगर आप इंजॉय कर रहे हो, ग्रेट, बट टेल योर पार्टनर आपको क्या अच्छा लग रहा है, कौन सी पोजिशन में आपको मजा आ रहा है, कौन सी पोजिशन में पेन हो रहा है. इफ समथिंग इज हर्टिंग यू, स्टॉप, टेल योर पार्टनर टू स्टॉप. और अगर आपका पार्टनर रिस्पेक्टफुल नहीं है आपके डिसीजन से, आस्क देम टू टॉक टू द हैंड. प्लेजर सिर्फ हमारे लिए नहीं है एज टॉप्स, इट्स ऑल्सो फॉर यू. एंड टू बी ऑनेस्ट विद यू, एज अ टॉप, व्हेन आई सी, मैं जिसके साथ हूँ उनके फेस पे वो वाला प्रेजर आता है, दैट टर्न्स मी ऑन. बट स्पीड, इंटेंसिटी, डेप्थ, ये सब टेक्निकली आपके कंट्रोल में होना चाहिए, एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट फ्यू टाइम्स. बाद में आप सरेंडर कर दो, फिर समझ लव एंड ट्रस्ट, वो ठीक है, दे कैन हैव फन विद यू, बट पहली पहली बार यू हैव टू बी कंफर्टेबल. तो अगर आपको कुछ अच्छा ना लगे, बी वोकल अबाउट इट. क्या आपको पहले प्रैक्टिस करनी चाहिए? A lot of boys who I meet for the very first time, yes, they may have practiced toys ke saath, apne aap lubricants ke saath, khud ko fingering karke. That's never a bad idea. Agle se aapko pata chalega ki how your body is responding to it. Practice until you become perfect. But practice ke baad aapko pata chal jayega aapko rough acha lagta hai ya intimate acha lagta hai. It's very important to communicate with your partner. Hansi mein, mazak mein, jaise bhi bol do. Like I always ask my boys, do you like it rough or do you like it romantic? Mujhe dono pasand hai. And what makes me happy when my partner is really enjoying. तो अगर आपने पहले एक दूसरे से थोड़ी बहुत हल्की सी बात कर ली है, यू काइंड ऑफ नो कि एक दूसरे की वाइब क्या है. अच्छा, ये प्रेफरेंसेस भी चेंज होती रहती हैं इन द सेम सेशन, कभी आपको रफ चाहिए, कभी आपको रोमांटिक चाहिए, व्हाटएवर इट इज. लेकिन आप बता दो उनको कि अगर आपको भाई आपको हार्ड चाहिए तो यू वांट इट हार्ड, इफ यू डोंट वांट इट हार्ड, स्लो डाउन, प्ले विद द स्पीड, वो सब कर सकते हो आप एज अ गुड बॉटम. अगर आप जैसे मेरे जैसे इंसान के घर पर आ रहे हो, मेरे पास तो पूरा स्टॉक होता है प्रोटेक्शन, लुब्रिकेंट्स, एवरीथिंग. बट आई ऑलवेज रिकमेंड कैरी योर ओन लुब्रिकेंट एंड कैरी योर ओन प्रोटेक्शन. और इसके दो रीजन है, इट्स ऑलवेज गुड टू बी प्रिपेयर्ड. वाई टेक अ चांस कि किसी और के पास होंगे नहीं होंगे, योर बॉडी, योर डिसीजन. अच्छा, एक और चीज, एक्सपेरिमेंट विद पोजीशंस. हमें ये नहीं बोल रहा कि हर 20 सेकंड में आप नई पोजीशन ट्राई करो, जिससे आप चेक मार्क कर दो, ये क्या, ये क्या, ये क्या, ये क्या, डॉगी स्टाइल, मिशनरी, रिवर्स काउगर्ल, काउबॉय, बट ट्राई डिफरेंट पोजीशंस. क्योंकि पहली बार आप जब भी करोगे, यू विल रियलाइज, ओ, ये वाली पोजीशन मुझे अच्छी लगती है, एंड देन यू हैव योर फेवरेट. मैं थोड़ा ओल्ड स्कूल हूं, माय फेवरेट इज स्टिल मिशनरी, बट सो हॉट.
कई बॉटम बॉयज को लगता है कि टॉप्स ने उनके साथ पोपो कर लिया, द टॉप केम एंड द बॉटम नेवर केम। पहली बात तो अगेन, मैं जब हाउ टू बी अ गुड टॉप का वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं चीज डालूंगा डालूंगा सच अ टॉप थिंग टू से दैट हाउ टू बी अ फेयर लवर, बट इवन फॉर यू मेक श्योर यू कीप इट इक्वल जो भी आपको टॉप करे, टेल देम इवन आई वांट टू कम, मे बी कम साइमल्टेनियसली, मे बी कम बिफोर आफ्टर, बट मेक श्योर दैट यू ऑल्सो हैव योर फुल प्लेजर इफ यू वांट टू, इफ यू डोंट वांट टू दैट्स फाइन, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज बी वोकल अगेन बिकॉज दैट प्लेजर इज नॉट जस्ट फॉर द टॉप, इट्स ऑल्सो फॉर यू, इट्स फॉर एवरीवन। एंड जो सबसे बड़ा मुद्दा है विच आई रियली फील, आपका फर्स्ट टाइम यू विल रिमेंबर, यू विल टॉक अबाउट इट, यू विल ऑलवेज गो बैक टू इट, डू इट विद समवन हू यू थिंक cares for you a little bit. जो पहली बार का डिसीजन है मेरे हिसाब से, or maybe that doesn't have to be the case for everyone, choose someone who you think you'll have some vibe with, some chemistry with. Don't just get it over with. Again, this is just my opinion. But your first time बहुत बार determine कर सकता है how your sex life becomes later. And if you meet someone who treats you with love, who nurtures you, जो आपको cuddle करे बाद में, you'll have a nicer time. अगर आपके कोई भी और सवाल हैं अबाउट बीइंग अ गुड बॉटम, कमेंट्स में लिख देना। आई विल मेक अ फुल लॉन्ग वीडियो इस सीरीज के एंड में अबाउट जस्ट आंसरिंग योर क्वेश्चंस। तो जो जो सवाल है प्लीज लिख लो एंड आई विल आंसर देम। आई होप ये एपिसोड देखने में आपको मजा भी आया, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव भी था। एंड इफ देयर इज समथिंग आई हैव स्किप्ड प्लीज पुट इट इन द कमेंट सेक्शन। आई वांट यू टू बी आउट, आई वांट यू टू बी प्राउड, आई वांट यू टू एंजॉय योरसेल्फ, डोंट गेट स्टक विद लेबल्स, एक्सपेरिमेंट विद गाइस, गर्ल्स, पोजीशंस, सी व्हाट यू लाइक, सी व्हाट मेक्स यू हैप्पी, एंड ऑलवेज रिमेंबर लव इज लव। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना। पूरे हफ्ते आई एम गोइंग टू होल्ड सीरीज ऑफ कामसूत्र, you can follow me for that. Aur mere sare sexual products including Nuske Paparas ka lol, mera men's sexual health pack, sab available hai starmuffin.com par. So go enhance your sex life. Big Pucci.